हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी एंड टेस्टी कुजीन में आपका स्वागत है। आज मैं नारियल के लड्डू बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे किसी भी व्रत त्यौहार या जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे आप इसे बना सकते हैं। ये घर पे बहुत कम समय और सामान में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नारियल के लड्डू के लिए मैंने एक कच्चा नारियल ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। एक कटोरी चीनी, 2-3 छोटी इलायची, 4 टेबलस्पून क्रीम, 2 टेबलस्पून नारियल पाउडर फॉर गार्निशिंग। सबसे पहले कढ़ाई में नारियल, चीनी और मलाई को मिक्स करके गैस ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारे लड्डू सफ़ेद नहीं बनेंगे। इसे लगातार चलाते रहना है। पांच से छह मिनट बाद पीसी हुई इलायची डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। और 5-6 मिनट चलाने के बाद हमें देखेगा कि इसकी चाशनी पूरी तरह से सूख चुकी है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बीच में एक जगह इकट्ठा होने लगी है। उसी समय हम गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे किसी और बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद लड्डू बनाना शुरू करेंगे। हाथों में थोड़ा सा नारियल लेके गोल आकार करके फिर दोनों हाथों की सहायता से गोल कर लिया है, फिर नारियल पाउडर में कोट कर लिया है। देखिए बनाना कितना आसान है। मिक्सचर को हम ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे लड्डू गोल नहीं बनेंगे। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।